नमस्कार आदर सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम सीखेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में वॉलपेपर कैसे सेट करना है, डेस्कटॉप माई कंप्यूटर का अगर चला जाता है उसे कैसे वापस लाना है, और ये सब विंडो का अदर सेटिंग सीखेंगे कैसे किस तरह से सेटिंग होता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वॉलपेपर को कैसे चेंज करना है। वॉलपेपर को चेंज करने के लिए पहले हम प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ बहुत सारे वॉलपेपर रहेंगे जो आपको चेंज करना हो, उस पर क्लिक करेंगे, इसे चेंज हो जाएंगे, जैसा भी आप चाहते हो वैसा चेंज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर आते हैं, कोई भी चेंज करोगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा, जैसा आपको पसंद आता है वैसा वॉलपेपर आप रख सकते हो। इस तरह इस वॉलपेपर के अंदर बहुत सारी और सेटिंग रहती है। कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद फिर वापस लाना है, इसमें जाएंगे आइकॉन डेस्कटॉप माई कंप्यूटर अप्लाई, तो देखो मित्रों वापस आ गया। और इसके अंदर कैसे ये रिसाइकलिंग क्या है, रिसाइकलिंग जो कंप्यूटर के अंदर पूरा कचरा भराता है वो कचरा निकालने के लिए रिसाइकलिंग, जैसे कचरा भरता है यहाँ कागज के कुछ ऐसा बना होगा जिससे हम रिसाइकलिंग करेंगे तो पूरा खाली हो जाएगा उसे क्लीन करने के लिए। उसके अलावा हम देखेंगे डिस्प्ले को अगर हम बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके अंदर किस तरह से सेटिंग रहता है पूरा। पहले हम देखेंगे माय कंप्यूटर प्रॉपर्टीज खोलेंगे, इसके पहले हमको देखेंगे अपने कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी डला हुआ है विंडोज 7 प्रोफेशनल, जैसे भी आप विंडोज इंस्टॉलेशन जब करते हो तब ये प्रोफेशनल वर्जन सेलेक्ट करना पड़ता है। हमारी कंप्यूटर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है कोर i3 PCPU, इसकी रैम है 4GB रैम है, 64 बिट है। इसके बाद हम ऐसे देख सकते हैं हमारे सिस्टम पूरी सिस्टम को। ये सब हार्डवेयर सेटअप आता है, जैसे हम थिंक लाइन करना हो, जैसे सेटिंग करना हो एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर सेटिंग करना हो, इसके अंदर सेटिंग आता है। हम अगले वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे इसके बारे में। अब हम आगे देखेंगे वर्ल्ड प्रोग्राम में जाके कंप्यूटर कंट्रोल पैनल देखेंगे। ये कंट्रोल पैनल पूरा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसको कहते हैं अपने, जैसे गाड़ी कोई होती है उसका पूरा इंजन है, ये पूरा विंडोज 7 का इंजन है। इसके सभी पार्ट रहते हैं किस तरह से अपने, अगर इसी में से कुछ किसी को हम डिलीट कर देते तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है अगर हमें फॉन्ट डालना हो इस सिस्टम में तो यहाँ जाएंगे, फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी फॉन्ट को हमको सिस्टम में डालना हो यहाँ से हम फॉन्ट इंस्टॉल कर देंगे। जैसे मैं आपको एक फॉन्ट ऑनलाइन फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप बता सकूंगा कैसे फॉन्ट डाउनलोड करते हैं। पहले हमें फॉन्ट का एक फोल्डर लेना पड़ेगा, उसके अंदर से हम फॉन्ट फोल्डर के अंदर गूगल में जाने का ऑनलाइन कैसे फॉन्ट लेने के था। डाउनलोड फॉन्ट लेने का, ये फॉन्ट डाउनलोड बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, 57,000 फॉन्ट है पूरे। ये फॉन्ट हमें जैसे भी फॉन्ट हमें लेने चाहिए तो यहाँ से हमें डाउनलोड करने का। डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल बनती है,
उसको डाउनलोड हो गया, उसके बाद हम इसको डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद उसको अनजिप करेंगे, जैसे भी अनजिप फॉन्ट करने के बाद फॉन्ट की जो पीटीएफ फाइल रहती है पीटीपी उसे कॉपी करेंगे, जैसे हम इसको पहले अगर डाउनलोड अनजिप नहीं करना तो इसे हम डेस्कटॉप पर रख देंगे और यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट में जाके यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे तो फॉन्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ गए। इस तरह से हम ऑनलाइन फॉन्ट ले सकते हैं कोई भी, इसी तरह हमारा फॉन्ट का मेनू रहता है। ये हमारा सिस्टम बैकअप रिस्टोर करने का रहता है, गेमिंग सेटिंग स्टैंडर्ड रहता है, कीबोर्ड का सेटिंग रहता है, कैसा कीबोर्ड की स्पीड क्या रखनी है, स्लो फास्ट, अगर आप फास्ट रखोगे तो फास्ट होगा, जैसे हम स्लो करेंगे तो स्लो रखेंगे, जैसे आप यहाँ सेटिंग रखो इस तरह से पूरा सेटिंग रहेगा कीबोर्ड का, कौन सा कीबोर्ड लगा हुआ है, PA2 कीबोर्ड, अगर यहाँ आपको USB कीबोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ USB कीबोर्ड आपको दिखाएगा। इसी तरह सारा सेटिंग है एक बार करके देख लेना, अप्लाई कर देना, उसके बाद तो पूरा बुक अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से सिस्टम के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे हमें कुछ ज़रूरी ज़्यादा नहीं